बच्चों आज का टॉपिक है इंडियन नेशनल मूवमेंट। यानी बात ये या फ्रीडम और है, भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन बच्चों, जैसा कि पिछले अध्याय में आप लोगों को बताया है, कांग्रेस की स्थापना के पहले भारत में अनेक जो है छोटे छोटे संगठन बनने लगे थे। और इनका प्रयास यही था कि अपनी जो है एक संस्था के माध्यम से अपनी मांगों को सरकार के समक्ष प्रस्तुत करना, सरकार को बाध्य करना। तो ये सब बातें थी बच्चों, तो बाध्य करके सरकार को अपनी बातों से अवगत कराना था। अतः जब सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इंडियन एसोसिएशन नामक एक दल की संस्था की स्थापना की और इसे जो है एक अखिल भारतीय संस्था का रूप देने का प्रयास करने लगे, तो उसी समय एक रिटायर्ड ब्रिटिश अधिकारी जिसका नाम था एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, यानी जिन्हें शॉर्टकट में बोलते हैं ए ओ ह्यूम, वो ह्यूम यानी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम तो बच्चों, एलन ऑक्टेवियन ने जो है कांग्रेस की स्थापना में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया, इसलिए एलन ऑक्टेवियन ह्यूम को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पिता कहा जाता है। बच्चों, भारत में अंग्रेजों के शासन के खिलाफ असंतोष की लहर फैलती जा रही थी और 1857 क्रांति इस बात का प्रतीक थी। अतः 1857 क्रांति के बाद अंग्रेजों ने सांप्रदायिकता का परिचय देते हुए एक वर्ग को प्रशय दिया, दूसरे वर्ग को प्रशय से विहीन किया। अतः जिसका परिणाम ये हुआ, 1857 क्रांति के पश्चात अंग्रेजों ने हिंदुओं का पक्ष लिया, लेकिन कांग्रेस की स्थापना के बाद अंग्रेजों ने मुस्लिम जनता का साथ देना
मुस्लिम नेताओं को साथ देना प्रारंभ कर दिया और जिसकी परिणति मुस्लिम लीग के रूप में हुई। अतः अंग्रेजों का सीधा सा उद्देश्य था कि जो भारत में असंतोष फैल रहा है उन असंतोष की जानकारी उसे मिलती रहे, जिससे वो समय से पहले सजग हो जाए और इन जो है असंतोषों को कुचल दिया जाए, जिससे उनके प्रशासन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न ना हो सके। अतः इसी उद्देश्य से एओ ह्यूम साहब ने भारत के विभिन्न बुद्धिजीवी वर्गों से विचार विमर्श किया, एक अखिल भारतीय संस्था के निर्माण हेतु। उस समय लॉर्ड डफरिन भारत के वायसराय थे, लॉर्ड डफरिन से भी एओ ह्यूम साहब ने चर्चा की और इंग्लैंड भी गए। वो इंग्लैंड के अनेक जो है बुद्धिजीवी वर्ग सांसदों से उन्होंने इस संबंध में चर्चा की और पुनः भारत लौटने के पश्चात एक जो है संस्था के रूप में स्थापित करने के लिए सूरत में इसका अधिवेशन कराना निश्चित किया गया। लेकिन बच्चों इन्हीं कारणों से, इसमें क्योंकि दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, दिनेशा बाचा आदि बुद्धिजीवी लोग, राष्ट्रवादी लोग एओ ह्यूम के संपर्क में थे और उनके संपर्क में आए। बच्चों आवाज सुनाई दे रही है? आवाज आ रही है बच्चों? आवाज आ रही है बच्चों? आवाज आ रही है बच्चों? अतः जो है बंबई में गोकुलदास तेजपाल 28 दिसंबर 1885 को
इस स्थापना का उद्देश्य क्या था तो बच्चों यह स्पष्ट है कैसे जो है इस सेफ्टी कांग्रेस को इस सेफ्टी बॉल के रूप में स्थापित किया गया था यानी अंग्रेजी साम्राज्य को सुरक्षा प्रदान करने के लिए इस सुरक्षा कवच के रूप में इस्तेमाल किया गया। अतः इससे क्या भारतीय लोगों की समस्याओं से भारतीय लोगों के असंतोष से भारतीय लोगों की जो समस्याएं हैं उनसे जान का इस्तेमाल करने के लिए उनसे संपर्क साधने के लिए कांग्रेस की स्थापना की गई। इस समय उस समय भारत का मध्यम वर्गीय मध्यम बुद्धिजीवी वर्ग संघ था। अतः बच्चों कांग्रेस की स्थापना के संबंध में यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है। इसमें प्रारंभ में भाजपा सदस्य थे और मुंशी बनर्जी यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी कहते हैं और इसमें क्या बोलते हैं धर्मी सिंह कांग्रेस अधिवेशन के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए थे। इसमें टोटल जो है 5 सदस्य थे और कंपनी के गोकुल दास तेजपाल संचित कोरे ने कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किया। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में हुआ जिसके अध्यक्ष बाला भाई नौरोजी चुने गए और इस समय कलकत्ता से क्योंकि इसी समय इस अधिवेशन में एओयू ने क्योंकि एओयू को कांग्रेस का महासचिव बना दिया गया था और वह एक सरकार आजीवन रहे। 1912 में इनकी मृत्यु के पश्चात इन्हें कांग्रेस का राष्ट्रीय कांग्रेस संस्थान में इन्हें कांग्रेस का पिता की संज्ञा दी। अतः
But you, even after your new name, Swayam Nath Banerjee, जो भी बंगाल के एक प्रबंध वर्ग से आते थे, उन्होंने बताया कि ये बारे में हम लोगों बता चुके हैं, 1969 में ICS की परीक्षा पास करने वाले चार लोगों में से यह भी एक थे, इनको कलेक्टर का पद दिया गया और असम में यह सत्यनाथ जी करीब पांच वर्ष से कलेक्टर के पद पर रहे, उसके भी किसी फाइल को बिना देखे हुए रक्षित करने के कारण इन्हें जो है कलेक्टर के पद से बर्खास्त कर दिया गया था। अतः जो है लोगों को जागरूक करने के लिए, लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए, अंग्रेजों की जो है संकीर्ण दबाव, सोच, नस्लीय सोच और शोषण की नीति आदि के खिलाफ जो है आवाज उठाने वाले और आवाज उठाने वाले व्यक्ति सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ही ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने 1905 में बंगाल विभाजन के समय सबसे ज्यादा बढ़ चढ़कर किया। अतः जो है राष्ट्रीय आंदोलन के राम से बंगाल के आज बुद्धिजीवी वर्ग में से एक यह व्यक्ति थे। अतः इन्हें ऑस्ट्रेलियन ह्यूम ने, यो ह्यूम ने सुरेंद्रनाथ बनर्जी की महत्वता को समझते हुए उन्हें जो है इंडियन एसोसिएशन का सम्मेलन कांग्रेस में करने की सलाह दी और चूंकि सुरेंद्रनाथ बनर्जी का भी उद्देश्य यही था कि हम भारतीयों की समस्याएं से अंग्रेज लोग जागरूक हों, एक अखिल भारतीय संस्था हो जो समस्त भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व कर सके। अतः इसी उद्देश्य से सुरेंद्रनाथ बनर्जी कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन कलकत्ता अधिवेशन में सम्मिलित हो गए, लेकिन इसी समय लॉर्ड कर्जन ने कांग्रेस के लोगों को इस पार्टी कांग्रेस की पार्टी ध्यान देना कि भारत के बाहर आए कांग्रेस की पार्टी थी, गार्डन की पार्टी थी और उनका उनका यह कहना था कि मैंने जो है कांग्रेस के लोगों को, कांग्रेस के सदस्यों को ये पार्टी नहीं दी, बल्कि कांग्रेस में संघर्ष जो अधिक की हुए हैं उनको हमने जो कलकत्ता में अतिथि लोग आए हैं उन अतिथियों को की पार्टी दी है। अतः ये पार्टी कब्जन के द्वारा दी गई थी। इस समय शासन का जो है रुख कांग्रेस की ओर था, कांग्रेस जो है उनके लिए ऐसी बहुत की तरह काम कर रही थी। अतः भारत का अभी कांग्रेस की ओर था। इस प्रकार के लोगों बच्चों ध्यान दें, क्योंकि सुरेंद्रनाथ बनर्जी अंग्रेजों की नीतियों के पक्षपात थे। अतः और जो है इसकी पार्टी में शामिल नहीं हुए। अब बच्चों कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन, कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन मद्रास की सत्ता है। अतः यहाँ पर एक प्रमुख बात यह हुई कि यहाँ पर तमिल भाषा में कुछ पंपलेट जो है छापे गए, उन पंपलेट को जो है उसमें अंग्रेजों की प्रस्तावित बुराइयों का उल्लेख किया गया था। अतः उस उद्देश्य से जो है अंग्रेजी प्रशासन इन लोगों से कांग्रेस नाराज हो गया। तो कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन के पश्चात ब्रिटिश शासन ने किसी प्रकार का सहयोग नहीं दिया, बल्कि ब्रिटिश शासन ने कांग्रेस के चौथे अधिवेशन के पहले यह घोषणा कर दी कि कांग्रेस के अधिवेशन में कोई भी सरकारी कर्मचारी भाग नहीं लेगा। इसी उद्देश्य से कांग्रेस के खिलाफ एक बड़ खड़ा करने के लिए सैयद अहमद खान और बनारस के राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद को उन्होंने जो है कांग्रेस के टिकट के रूप में
इतना उन लोगों ने कांग्रेस की बुराइयां की और इस प्रकार से एक अलग संगठन बनाया, इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन नाम के अलग संगठन बनाया। अतः इस प्रकार से जो ध्यान दें आप, कांग्रेस जो है पहले सुरक्षा बल के रूप में हुई थी, अब होगा क्या कि यहाँ से तमाम ऐसी घटनाएं घटेंगी जिससे कांग्रेस का चरण को जो है कार्यकाल को कांग्रेस के राजनीति को तीन भाग में बांट सकते हैं। एक उदारवादी जो उग्रवादी युग और तीसरा क्रांतिवादी और अंग्रेजों के सामने की समस्याओं का निराकरण कर सकते हैं। अंग्रेज लोग का शासन हर समय अति अनिवार्य है। अंग्रेज जो है भारत को शिक्षित कर देंगे और अंग्रेज देश से चले गए भारत को जो है विभिन्न भागों में बढ़ जाएगा। इसी प्रकार से लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक ने कांग्रेस की स्थापना के संबंध में अनेकों बातें बताई, अनेकों बातें उस समय लिखी। कांग्रेस के लोग बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, यानी इसमें वह लोग कांग्रेस थे जो है अंग्रेज शासन में किसी ना किसी पद के लिए अंग्रेजों की ओर देखते रहते थे। अतः बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसको कांग्रेस अच्छा हो ऐसे लोगों की संस्था बताया तो सरकारी पदों के भूखे थे। जवान की उपज बताया और उन्होंने कहा कांग्रेस जो है ब्रिटिश शासन के लिए सुरक्षावाद का काम करती है। जो करने वाला व्यक्ति था उस समय और संबंधित
कांग्रेस के आरोप का संबंध नहीं कर रहा था यदि कांग्रेस के लिए तो बच्चों आप लोग समझ रहे हैं उदारवादी ये लोग थे इनकी ये सोच थी कि प्रार्थना याचना अपील दलील आदि के माध्यम से हम अपनी मांगों को अंग्रेज प्रशासन समक्ष रखेंगे। अंग्रेज प्रशासन भारत में एक योग्य प्रशासन है अतः उनके समक्ष यदि ये समस्या रखी जाए तो उन्हें गंभीरता पूर्वक विचार करेंगे और देश के हित में जो होगा उसके उसमें वह जो है उसका उत्साह करेंगे। अतः यह लोग जो है अंग्रेजी प्रशासन में सहयोग देने वाले और अपनी बातों को प्रार्थना आदि के माध्यम से कार्य करने वाले लोग थे क्योंकि बच्चों कांग्रेस के प्रचार प्रसार के लिए इंग्लैंड में एक संस्था होली होली गई थी और वह संस्था विलियम डिग्री के नेतृत्व में कार्य लिखने लंदन में करती थी और इंडिया नामक एक समाचार पत्र निकाल दी जिससे कि कांग्रेस की विलियम की जानकारी इंग्लैंड प्रशासन को होती रहती। आपको बता दूं कि अंग्रेजी शासन के खिलाफ नहीं थे और न ही वह लोग जो है स्वराज या सरकार को ही मांग करते थे। बस तो आपको बता दें कि स्वशासन स्वराज स्वदेशी आदि की बात जो है तर्क मकाने वाले दयानंद सरस्वती थे। अतः बाल गंगाधर तिलक
जो है
लड़ता रही है भारत में रहते हुए हमारी एकमात्र इच्छा यह है कि मैं इसकी शांतिपूर्ण मुक्ति में सहयोग दे सकूं। बच्चों इस प्रकार से कांग्रेस की विरोधी अनेकों सरकार और अनेक बुद्धिजीवी वर्ग हो गए या बुद्धिजीवी वर्ग तो अलग हो गया और उदारवादी अलग हो गए। राष्ट्रीय एकता स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय जागृति लाने के उद्देश्य से
हुमरी लीग का जो है प्रचार प्रसार किया अतः पहली वेतन से प्रभावित होकर बालक भारत ने भी महाराष्ट्र और मध्य भारत आदि में हुमरी लीग की स्थापना की। ये दोनों संस्थाएं दोनों हुमरी लीग आपस में मिलकर काम कर रही थी, इसलिए इस समय समस्त भारत में हुमरी लीग जो है लोगों को राष्ट्रीय जागृति के लिए प्रेरित कर रही थी। इसलिए हुमरी लीग आंदोलन के समय बाल गंगाधर ने कहा कि स्वराज मेरा जन्म से सरकार है, स्वराज माई बस राय इसके और बाद गंगाधर जो है अधिक से रही और इस समय तक महात्मा गांधी भी भारत देश में लौट चुके थे। महात्मा गांधी 1914 में भारत में आ गए थे और एक साल तक जनवरी 1915 में आ गए थे, एक साल तक उन्होंने भ्रमण किया और इसके पश्चात बच्चों को लखनऊ अधिवेशन कलकत्ता है कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन उन्नीस अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता की थी, इसमें शामिल हुए। उसी में तिलक के कहने पर कांग्रेस का अध्यक्ष एनी बेसेंट को बना दिया गया। बच्चे प्रकार से कांग्रेस है लखनऊ का कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916 बड़ा महत्वपूर्ण है। ध्यान से सुनना आप लोग, इसमें कांग्रेस का तो उग्रवादी दल था वो भी इसमें सम्मिलित हो गया। कांग्रेस को मुस्लिम लीग थी, बच्चों ध्यान में मुस्लिम लीग की स्थापना आगरा में है जो है आगरा खान एवं सलीम उल्ला खान के नेतृत्व में हुई थी। सलीम उल्ला खान मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष थे और वह जो है लॉर्ड मिंटो के लॉर्ड मिंटो जो है वायसराय के भारत के उनके आशीर्वाद से इसकी स्थापना कांग्रेस के विरोध के लिए की गई थी। मुस्लिम लीग जो है मुस्लिम पक्ष का किसी ने उसको थी, जबकि कांग्रेस की स्थापना जो है सभी जातियों के सहयोग से हुई थी। फजलुद्दीन तैयबी को कांग्रेस का तीसरा जो है अध्यक्ष बनाया गया था। अतः सबको यह बात ध्यान देने वाली है कि जो है कांग्रेस जब ये अखिल भारतीय संस्था के रूप में खड़ी होने लगी, सर्वधर्म समभाव की भावना से कार्य करने लगी, तो अंग्रेजों को यह बात सुनने लगी कि कहीं ऐसा ना हो कि राष्ट्रीयता की भावना से प्रेरित होकर भारतीय उनके प्रशासन को अतः इस उद्देश्य से प्रेरित होकर अंग्रेजों ने कांग्रेस के खिलाफ मुस्लिम लीग संस्था की स्थापना करने में सहयोग दिया, क्योंकि अंत में एक मजदूर के रूप में सिद्ध हुआ और जिसने जो है अनुकाश किए। जब 1905 में बस वो इससे पहले हम जो है लखनऊ अधिवेशन से आगे बढ़े, इससे पहले बंगाल
तो बच्चों तो अनेकों
India House nama एक जो है संस्था की स्थापना की है अंदर यहां के काम में अंदर इंडिया अंदर में इंडिया हाउस की स्थापना की और श्याम जी के समारोह अच्छा ध्यान दें इस श्याम जी के समारोह इस स्कॉलर देते थे भारत के पिछले साल के बच्चों को स्कॉलर काम करते थे उसी स्कॉलर से जो है इन दामों का इन तीन साल का कहा जाता है वो भी जो है स्कॉलर की मदद से इंडिया हाउस पहुंचे थे अब तो भारत में तो मेरा अब तो भारत में तो मेरा
तीन संति भी सुझा भी सुझा हमारी अंदर पीली सावर का अबानी मंदर सीना संति जो है आदिल कुमार बोस कितने नंबर आठ इन्होंने आदिल कुमार बोस जो इन्होंने रचना संति ने की जो है युवांतर नाम तो इस प्रकार से अनेकों जो है क्रांतिकारी संगठन स्थापित हो गए थे जैसा कि हमने बताया क्या यहाँ बताया जो है आपके घर बंधुओं ने जो कि चित्पावन ब्राह्मण थे बंबई में जो है के पुना के पास पुना में थी इन लोगों ने इसी प्रकार से महाराष्ट्र में ही स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करते रहे बच्चों इनका पूरा नाम विनायक दामोदर सावरकर है इन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस नामक एक पुस्तक लिखी इंडियन स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियन स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस नाम से पुस्तक लिखी मिली सावरकर जी ने ऐसा मिली सावरकर ने स्वतंत्र क्रांति को भारत का स्वतंत्रता संग्राम बताया इसी प्रकार से अमीर को जो एक अलग संस्था 1913 में अलग संस्था की स्थापना की गई थी निकाला जाता था नीतियों का पालन कर दिया तो अंग्रेजों ने अमेरिकी प्रशासन का दबाव कर सकता आंदोलन को कुचल दिया जानते हैं उनके छोटे भाई भूपेंद्र
उन दोनों ने उनको सिखाया समझे कि इस आत्मा में जो आत्मा की आने के से पहले भगवान ने मंदिर नाम की संस्था की स्थापना की गई थी। एक ऐसी संस्था है काल के कार्य कैसे विधियों की ओर लोगों को प्रेरित करने का कार्य करती थी। इसी पत्रिका ने विमंत्र नामक पत्र चलाया। इस संपादक उपेन्द्र नाथ अस्त थे। आप आज लोगों को काम करता हूँ पान के बारे में बता रहा कनाडा में रोजगार ढूंढने के उद्देश्य से लोगों को भ्रष्टाचार वहां पहुंचे। लेकिन बच्चों अंग्रेजी सरकार के सारे पास कनाडा सरकार ने इन लोगों को कनाडा के बैंकुवर नामक बंदरगाह पर उतरने से मनाही कर दी। अतः यह जहाज पुनः जो है भारत की ओर जो लोगों के मन में बड़ा आक्रोश का इन और अंग्रेजों की चारों ओर बुराई की गई। इस प्रकार से कामा इस घटना को इतिहास में कामा गाथा मालूम कांड के नाम से जाना जाता है। क्रांतिकारी घटना है राजनीति में सक्रिय हो गए तो उनके नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन में देश जो है रास्ता और पूरी कांग्रेस जो है राष्ट्रीय हो गई। अब गांधी की उसके जो है हो गए। इस प्रकार से इतिहास में भारतीय इतिहास में 1919 से लेकर 1947 तक के युग को क्रांतिवादी युग कहा गया। महात्मा गांधी इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी जो की तीन रियासतों के तीनों के राजकोट और जाति के थे। इनकी माँ का नाम पुतली बाई था। महात्मा गांधी जो है तीन भाई थे। 1869 को महात्मा गांधी का जन्म गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। इनका परिवार जो है
फिर नौ धर्मावलंबी था। इनकी माता माता जी जो है गृहस्थ जीवन का परिपालन करती थी। बच्चों महात्मा गांधी के जीवन में बाल काल में ही अनेकों ऐसी घटनाएं घटी जिन्होंने उनके व्यक्तित्व को बदलने का कार्य किया। महात्मा गांधी जब बच्चे ही थे उस समय वह अपनी माता को उपवास करते हुए देखते थे। कश्मीर मास के समय में यानी चतुर्मास यानी बरसात के समय को हम जो है चतुर्मास के नाम से जानते हैं। चतुर्मास का समय काफी विभिन्न होता है। इस समय किसानों के पास भी खेती का काम नहीं रहता है। बरसात के दिन होते हैं, लोग अपने घरों में बैठे रहते हैं। अतः धर्म शास्त्रों का अध्ययन करने के लिए धर्म शास्त्रों का श्रवण करने के लिए यह समय बहुत ही उचित माना जाता है। अतः महात्मा गांधी जी की माता जी वैष्णव धर्मावलंबी थी। चतुर्मास में वह बिना सूर्य भगवान के देखे हुए कभी जो है खाना नहीं खाती थी। बच्चों कभी कभी महात्मा गांधी ने समर्पित आत्म कथा महात्मा गांधी की आत्म कथा करता है। एक्सपेरिमेंट विद माय ट्रस्ट के नाम से एक्सपेरिमेंट विद माय ट्रस्ट यानी सत्य के साथ मेरे प्रयोग नाम से इस पुस्तक में उन्होंने अनेक बातें अपने जीवन के संबंध में बताई। उन्होंने अपनी माता के बारे में कहा है। उनकी माता का नाम पुतली बाई था। अतः चतुर्मास में जब सूर्य भगवान बालों के पीछे दो दो तीन तीन चार चार घंटा छुप जाते थे, ऐसी स्थिति में उनकी मां जो है वो तो सुखी की ममता है भोजन नहीं ध्यान से सुनना बच्चों। बालक जो है मोहन मोहनदास जब वो है बादलों की ओर से सूर्य को निकलते हुए देखता था तो अपनी माँ को बुलाने के लिए वह थोड़ा हुआ माँ के पास पहुंचता था और माँ को निभाकर जब वह जो है सूर्य नारायण के दर्शन के लिए उन्हें ले जाता था तब तक सूर्य नारायण भगवान पुनः बादलों की ओर में छिप जाते थे। अतः इस प्रकार की जो है उपवास संयम संकल्प आदि जो है अपने माता पिता से मिले तो प्रशासन क्षमता उन्हें अपनी प्रादेशन मिली जो संस्कार अपने धर्म संस्कार आदि जो है उन्हें अपने बचपन से ही संस्कारों के रूप में मिली जिनका प्रभाव और उन्होंने सत्य अहिंसा अस्त्य अपरिग्रह ब्रह्मचर्य सत्याग्रह आदि के माध्यम से राष्ट्रीय आंदोलन के कार्यों में अध्यास रूप में प्रयोग किया। बस महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय आंदोलन में सत्य एवं अहिंसा को एक साधन के रूप में उपयोग किया। महात्मा गांधी का एक विचार था कि साथ और साधन की जितनी अधिक पवित्रता होगी उतना ही साथ पवित्र होगा। अनेक विचारों का जैसे काल मार्क्स लेनिन आदि का एक विचार था कि साधन कैसे भी हो लेकिन साथ हमारा पवित्र होना चाहिए। और जो किस प्रकार से स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए
चाहे साधन किसी प्रकार के हो लेकिन बाजेश को स्वतंत्र होना चाहिए ऐसे प्रकार के विचार साम्यवादियों के लेनिन काल मार्क्स के थे लेकिन महात्मा गांधी का यह बात स्वीकार नहीं थी। महात्मा गांधी का कहना था कि साध और साधन दोनों की पवित्रता होना चाहिए। हेलो महात्मा गांधी का प्रवाह जो है पश्चिम में कस्तूरबा वाइफ के साथ कर दिया गया था। इस प्रकार से अनेकों ऐसी घटनाएं घटी जिन्होंने उन्हें तो है नशा पत्ती से दूर रहने शिक्षा का महत्व समझने बाल विवाह के दुरुपयोग के बारे में स्त्री शिक्षा के बारे में पुरुष स्त्री समानता के बारे में निराहार अंधाहार भ्रष्ट शस्त्र अहिंसा अपरिग्रह आदि के बारे में बचपन से ही संस्कार कर दिया था। यह बातें उनके जीवन में उनके पिताजी बचपन से ही उन्हें जो है भगवत गीता का श्लोक याद कराते थे। अतः बालक मोहनलाल श्लोक याद करके अपने पिता करमचंद गांधी जी को सुनाया करते थे। और जो ध्यान दें जब महात्मा गांधी की पढ़ाई पढ़ने के लिए ब्रिटेन गए तो जो है वहां पर वह अपनी माँ के कहने का उन्होंने रहने का और का पालन किया। अच्छा महात्मा गांधी के बारे में जो तो हमारे राष्ट्रपिता है और भी अनेकों आदर्श के बारे में आप लोगों को कल बताऊंगा। इसके पश्चात राष्ट्रीय आंदोलन लखनऊ अधिवेशन से आगे कैसे आगे बढ़ा इस संबंध में भी आपको तीन चार दिन तक राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में बताना है। आज का टॉपिक यही समाप्त होता है। कल अगला टॉपिक पुनः आपको लखनऊ अधिवेशन से आगे बढ़ाएगा।